पार्षद बने रहे जी, कैसे काम करवाओ, बढ़िया रहो इनको काम। पार्षद को तो सर हम जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं ना, कभी गांव में आए। अच्छा, वोट मांगने के लिए आए थे क्या? हाँ, वोट की बार आए। जो पार्षद हैं आप उनको नहीं जानती हो? हाँ, मैं नहीं चीनू भैया, कहाँ को पार्षद, कहाँ को हूँ। ज्यादा नहीं कहूँ तो नहीं, यहाँ कब हम चिंता ही नहीं, कहाँ को नहीं। जानवर आए तो उसी गड्ढे में फेंकते हैं, और इंसान आए तो भी उसी गड्ढे में करते हैं, और शहर का जो भी कचरा आया उसी गड्ढे में करते हैं। हम लोग ऐसे शर्म करके भागते हैं, अब किससे कहें सुनने को, खाली नहीं शहर के उस रास्ते आते नहीं, भगवान से नफरत करते हैं, वो भगवान तो नहीं जाते नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव, आप देख रहे हैं NVTV। अगले कुछ महीनों में बनखड़ी नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, जनरल सीट यहां पर अध्यक्ष पद के लिए आई हुई है। इस समय मैं खड़ा हूं परिषद बनखड़ी के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 1, और जो कि पहले का चिल्लोद ग्राम था, वहां पर खड़ा हुआ हूँ। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश पुरी गोस्वामी है। अच्छा, और मैं यहाँ का बचपन से निवासी हूँ। ये बताइए, पिछला जब नगर परिषद में आपका गांव जुड़ा जी, तो कुछ सुविधाएं वगैरह हुई क्या? सुविधा ये पानी की बस सुविधा मिल रही है साहब जी अब है। हाँ। पर ये पानी इधर उधर फूटा है, अभी ये सही नहीं हो पा रहा। इस बार के पार्षद जी रहे जी, उन्हें कुछ नहीं किया, वो आते ही नहीं, दर्शन नहीं मिल रहे साहब जी। क्या नाम है आपका? जी कलहुल लाल। यही चिल्लोद में रहते हो? जी पुराना। अच्छा, पिछली पंचवर्षीय कैसी रही? पिछली बार पंचवर्षीय का कुछ काम मैंने करवा ही नहीं पाया, अभी रोड भी अधूरा डला है। वो रोड अधूरा डला है? अधूरा अंदर जो है। अच्छा। वो रोड अधूरा है, नालियां अधूरी हैं। सफाई के लिए कोई कर्मचारी आता है क्या? वे कहाँ, कभी जब आ जाते हैं कभी जब। इधर चबूतरा भी नहीं जलता, वो चबूतरा भी नहीं जलता, वो तो फायर बेल्ट चल रही है कुल मिला के। अच्छा, राम राम माता जी। राम राम भाई। अच्छा, नहीं चिल्लोद में रहे तो। हाँ। अच्छा, हमारी टपरिया नहीं बनी। टपरिया नहीं बनी तुम्हारी? हाँ, और ना हमरो मोड़ा परमठ बनो। परमठ नहीं बनो? हाँ। वोट डाला तो? हाँ, डाला तो, बूढ़ी हो गई, डाट डाल के बूढ़ी हो गई, डाट डाल के। और अच्छा, चलिए ये बताइए माता जी, ये बताओ। हाँ। अब कौन है वोट डालो तुम? के मैं नहीं कहूँ वोट कौन है डर, ते है डर राजा भाई, हम नहीं के। अच्छा, वोट डाल रहे हैं। अच्छा चलो माता राम, ये बताओ का सुविधा चाहिए तुम्हें? हमें कछ सुविधा चाहिए, जो सुविधा चाहिए ना, हमें पैसा मिले ना, हमें कछ मिले। पैसा नहीं मिले? दादा भी नहीं मिले, दादा नहीं मिले। पार्षद से कही तुमने? हमने भैया मैं चिंता ही नहीं, कौन है जाऊँ की अभी। अच्छा एक मिनट, आपके क्षेत्र के पार्षद कौन है आप जानते हो? नहीं जानू, नहीं जानू। हाँ बेटा ने, मैं चीन हूँ, जाता ही नहीं है भैया, वे आ तो रही है, मैं चीन हूँ कहाँ से। अब जो पटेल आ गए जिन्हें जाना, छोट पटेल। एक नई बात हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये माता राम का कहना है कि इस क्षेत्र के पार्षद कौन है वो नहीं आते हैं। हम चीन है भैया, चीनत भी नहीं हो। माता राम की ये बात गौर करने वाली है कि जनप्रतिनिधि ऐसा हो जिसे क्षेत्र का बच्चा बच्चा जाने, वो आए और लोगों की समस्याएं सुने। हल्के ठाकुर जी, हाँ जी। कितने घर होंगे यहाँ पर? जी कम से कम 25-30 घर है सर। 25-30 घर है। ये मेन सड़क से यहाँ पे जो आ रही है, मैं देख रहा हूँ कीचड़ वगैरह है जी। जी तो ये रोड बनाने के लिए आपने कहा था क्या? जी जी कहा था सब, मनो नहीं, कोई नहीं सुन रहे हमरे। अच्छा जी, जो पार्षद बने रहे जी, कैसे काम करवाओ, बढ़िया रहो इनको काम। पार्षद को तो सर हम जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं ना, कभी गांव में आए। अच्छा, वोट मांगने के लिए आए थे क्या? हाँ, वोट की बार आए। अच्छा, तो आपका कहना है कि जो पार्षद थे आप उन्हें नहीं जानते हो? नहीं जानते सर। अच्छा, सुनते तो, हैं का नहीं, खड़े रहते हैं मगर अब वो कभी नहीं आते। अब जो वोट डालो वो कहाँ करवाए जी? अब हमारी ये रास्ता देखो सर, अब कितनी गंदगी, रात में गिरते हैं, बुढ़े आदमी हैं। अच्छा, बड़ी दिक्कत परेशानी सब, ना तो कोई रोड है, ना नाली है, कुछ नहीं, सब गंदगी है। दोस्त क्या नाम है आपका? मनोहर ठाकुर। मनोहर जी बताओ जी। पिछले 5 साल का जब नगर परिषद में जुड़ा आपका ये क्षेत्र जी, तो कुछ सुविधाएं वगैरह हुई क्या? हाँ, कुछ सुविधा तो हुई न, मगर जो पार्षद था ना, जो नया खेड़ा का बनाया गया, मतलब चिल्लोद एरिया का एक नंबर वार्ड में, मगर वो अभी यहाँ चिल्लोद में आया नहीं है, और आया तो हमने देखा भी नहीं, क्योंकि यहाँ से कीचल आप देख रहे हो कि यहाँ से कितना कीचल है। अच्छा। मगर उसने लाइन भी नहीं जुड़ाया, न रोड बनवाया उसने। कौन सी लाइन नहीं जुड़ाई? जे पाइप लाइन फूटी है अभी। अच्छा, इसका पानी तो जा रहा ना। अच्छा एक मिनट, ये क्या है? ये पाइपलाइन है? पाइपलाइन है यहाँ से। तो यहाँ से क्या ये पानी लीकेज होता है? लीकेज होता है।
अच्छा अच्छा इस जिलानी से कीचल हो रही है। अच्छा वोट डालते हो आप? हाँ डालते हैं ना। अच्छा इस बार कौन से आदमी को वोट डालोगे, क्या करवाना, क्या करवाए वो आपके लिए? तो आपके लिए हमारे लिए तो ये करवाएगा, मतलब रास्ता क्लियर करें। हाँ हाँ झोपड़ी पट्टी सब बनवाए तो हम उसको वोट देंगे। अच्छा नहीं तो आप? नहीं तो नहीं दोगे? नहीं दोगे। मेरा नाम सर नितिनपुरी गोस्वामी ग्राम चिल्लौत के। आप वोट डालने लगे क्या? नहीं सर मैं अभी वोट डालने लायक नहीं हूँ, मगर मैं नगर के विषय में कुछ है रखे सर चाहता हूँ कि उसमें कुछ लाभदायक हो। मैं ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहता हूँ जो मेरे ग्राम में कुछ ऐसा करना चाहे, जो सबको सुविधाएं बनाना चाहे, जो पाइपलाइन फूटी उसको क्लियर कराए। आप देख रहे हैं कितनी गंदगी है, नालियां हैं, कचरा साफ नहीं हो रहा, रोड बना है अधूरा छोड़ दिया, कुछ ऐसा रोड बना दिया कि रोड देखने लायक है मगर चलने लायक नहीं है। अच्छा। बचरा डाला है कहीं नहीं डाला, मतलब टोटल काम पूरे हैं, टोटल करके रखा है और बस नालियां कहीं कवर कर दी हैं, कहीं रोक रखा है। उधर आपने देखा होगा इतने गड्ढे पे साहू ने उसका कबाड़ा जमा रखा है, उधर से लोगों को निकलने में प्रॉब्लम है। अगली बार जो यहाँ से इस क्षेत्र में वोट मांगने के लिए आएंगे तो क्या क्या मांग करोगे आप उनसे? जी पहली मांग तो ये है नालियाँ बने, दूसरी मांग ये है गाँव में पूरे में रोड रहे, तीसरी बात ये है सब लोगों का मकान बने, हर घर पाइपलाइन पहुँचे, सब लोगों को अलग अलग सुविधाएं, हर जगह एक सी सुविधा रहे, लेटरिन बाथरूम हर चीज़ से बिल्कुल क्लियर, जैसा सिटी में रोल है वही गाँव में रहे। बहुत बढ़िया, मैं चाहूंगा। अच्छा एक मिनट लगेगा उसका। मैं चाहूंगा जितने भी लोग यहाँ पर खड़े इधर आओ। क्या नाम है दोस्त आपका? नितिनपुरी गोस्वामी। अच्छा नितिन की बात आप सभी लोगों ने सुनी और हमारे एनवी टीवी के माध्यम से जितने भी जो लोग हैं वो सुन रहे हैं, आप इस दोस्त की इस युवा की पीठ थपथपाइए, ताली बजाकर इसका समर्थन करें, बहुत अच्छी बातें नितिन ने बोली। अच्छा ये बताइए टैक्स वगैरह देते क्या आप? टैक्स मकान के लगते हैं, लोग देते हैं हिसाब से अपने। अच्छा अभी अच्छा। मुझे भी देना टैक्स मकान का। हाँ हाँ टैक्स लगने लगा। हाँ बाकी मैं सुनता हूँ कि शहर है तो पर शहर जैसा नहीं, क्योंकि इस पर रीझ बूझ नहीं, कोई सुनते नहीं और सुनने को खाली नहीं, साफ सफाई नहीं। अच्छा तो निश्चित तौर पर हाँ जी बोल रहे हैं आप कुछ लोगों को यहाँ का कुछ वो भैभव नहीं है कि कोई हमारे ऊपर कुछ कहे सुने, ऐसा उनको भय भी नहीं है हमारे प्रति, क्योंकि हम सीधे लोग हैं, गरीब लोग हैं, अपना काम करते हैं, गुजारा चला रहे हैं, वहाँ की सुविधा दे रहे हैं तो तरीके से मिले उनको, उनसे टैक्स ले, उनसे सुविधा ले, वे खुश रहेंगे। हम चाहते हैं कि एक आवाज़ पे एम्बुलेंस आती है, पुलिस आती है, इस प्रकार से आप भी आएँ, हम लोगों की समस्या सुनें, हम आपके आधार से जी रहे हैं, आपको सब कुछ मत दे रहे हैं और आपके हम जिंदगी भर साथ देंगे, पर यथार्थ सत्यता से जो है उसे निभाने वाला तो कोई विरला होता, वो निभा के बताए तो हम पीठ थपथपाएंगे सर। क्या बात है, जोरदार तालियां होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर काम बहुत है, बहुत काम करना है, जो हमने लोगों से बातचीत करी उससे ये महसूस होता है कि लोग अभी कुछ कमी महसूस कर रहे हैं, जिस प्रकार से ये चिल्लौद है जो नगर परिषद के अंतर्गत आता है, लेकिन लोगों का मानना है कि अभी हमें ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता है कि हम शहर में रह रहे हैं या नगर में रह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो उम्मीदवार हैं वो जब भी यहाँ अपनी दावेदारी पेश करें इस बात को अपने दिल में अपने जहन में ध्यान में रखें। अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब पर क्लिक करें और घंटे की आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल ऑन करें। देखते रहिए एनवी टीवी।